नमस्कार, खुशखबरी है 12वीं पास के अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और 12वीं पास हैं तो यहाँ पर बड़ी भर्ती आपको ANM के पदों पर जल्द देखने को मिलेगी। पात्रता के नियम बदल दिए गए हैं। अभी तक यह था कि इंटरमीडिएट में केवल विज्ञान विषय के ही अभ्यर्थी ANM पर आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर बदलाव किया गया है। और बदलाव ये किया गया है कि अगर आप साइंस यानी कि विज्ञान विषय नहीं भी लिए हुए हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। खुशखबरी है ANM के 9000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, जहां पर 10% सवर्णों के आरक्षण को लेकर यह भर्ती लटकी रही काफ़ी समय से, लेकिन अब होगी। 32,000 रुपये प्रति माह कुल वेतन इसके लिए निर्धारित किया गया है। जी हां, इसमें जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन मिलेगा, 9000 अभ्यर्थियों को, उनको 32,000 रुपये तक मिल सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि निष्पक्ष भर्ती की जो जिम्मेदारी है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी भर्ती पूरी प्रक्रिया को कम्प्लीट करेगा। अभी तक ANM की जो भर्ती है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर पर होती रही है। 2 साल पहले भर्ती में घोटाला होने के अंदेशे से भर्ती पूरी प्रक्रिया से रोक दी गई और अभी तक भर्ती नहीं भई 2-3 सालों से। मामले में एक लिपिक को संस्पेंड भी किया गया, इसलिए इस बार भर्ती जो निष्पक्ष रूप से हो इसके लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को यह कार्य दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ANM यहाँ पर बताया गया है कि पदों पर भर्ती करने जा रहा है, इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, साथ ही 2 साल के ANM कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। देखिए, आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि साइंस से, साथ में 2 साल का ANM कोर्स आपके पास होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने 9212 ANM की भर्ती का प्रस्ताव राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजकर जल्द ही ANM का चयन करने के लिए कहा है। जी हाँ, 9212 पदों पर यह भर्ती होगी। पिछले 3 वर्षों से कोई भी भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते 23,000 से ज़्यादा यहाँ पर पद खाली पड़े हैं, लेकिन फिलहाल अभी 9,000 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी विषय से इंटर हैं तो कर सकती हैं आवेदन। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसलिए यह तय किया गया है कि ANM बनने के लिए अब इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से होना जरूरी नहीं है। किसी भी विषय में इंटर की अर्हता नियमावली में रखी गई है। इसके साथ ही 2 साल का ANM कोर्स और 6 महीने का प्रसूति प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। ANM पद के लिए 40 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन करेंगी, इसके लिए कुल वेतन 32,000 रुपये मिलेगा। काफ़ी दिनों से इस भर्ती के लिए मांग उठाई जा रही थी, जिसे अब यहां पर आगे के लिए प्रोसेस कर दिया गया है। तो इसका विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हम आपको चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।